तो क्या डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद कर देना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं। डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद नहीं करिए, उसका समाधान ढूंढते हैं। आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर का विकल्प क्या है। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि सर वीकली करंट अफेयर, भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। डेली करंट अफेयर 25-30 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए, 25-30 मिनट से, ध्यान से सुनना मेरी बात। आधा घंटा अपने करंट अफेयर को फिक्स कर दीजिए कि आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ने और आधा घंटे के नोट्स, एक घंटा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करंट अफेयर अगर करवाया जा रहा है तो इसका मतलब न केवल तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, बल्कि तुम्हारे समय को बर्बाद करके तुम्हारे करियर के साथ खेला जा रहा है। यह बहुत कड़वा सच है, लेकिन इसे जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी इस गहरे कुएं से बाहर आ जाओगे। तो 25 से 30 मिनट का डेली करंट अफेयर, जितने भी टॉपर है ना, जितने भी टॉपर, वो आपको कहते हैं करंट अफेयर का जिस्ट करना है। करंट अफेयर को दिन भर में, देखो भाई, एक शिक्षक अगर करंट अफेयर पढ़ाना चाहता है डेली, तो एक शिक्षक ने डेली करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा पूरा करंट अफेयर 40 से 45 मिनट में समराइज करना चाहिए, यदि किसी दिन बहुत सारी खबरें हो तो। क्योंकि अगर दो ढाई घंटे करंट अफेयर, मुझे एक बात बताओ, दो ढाई घंटे करंट अफेयर पढ़ना ही है, दो ढाई घंटे का करंट अफेयर पढ़ना ही है, तो वो तो आप खुद भी कर लोगे भाई। दो ढाई घंटे का ही करंट अफेयर पढ़ना है तो वो तो आप खुद भी कर लोगे दो ढाई घंटे देखकर। करंट अफेयर तो तब माना जाएगा कि शिक्षक आपको रेडी करके दिखा रहा है जब 40-45 मिनट में उस करंट अफेयर के सारे बिंदुओं को बेहतर तरीके से समझा पा रहा है। अब जितने भी टॉपर ढूंढना, जितने भी टॉपर ढूंढना, जितने भी बड़े टीचर देख लेना, मैं कोई भी किसी का भी नाम न लेते हुए आप अगर देखेंगे तो अधिकतर टीचर आपसे कहेंगे कि भाई आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसे पढ़ते चलिएगा, फिर मंथली मैगजीन को आप कवर कर लीजिएगा। और जो टॉपर है वो कहेगा कि मैं प्रतिदिन करंट अफेयर करता था जिस्ट के रूप में। जिस्ट का मतलब क्या हुआ सर? जिस्ट का मतलब है उस करंट अफेयर का संक्षिप्तीकरण, यदि किसी भी प्रकार से आपको उपलब्ध होता है। जैसे मैं आपको लोगों से कई बार कहता हूं, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मृणाल सर का करंट अफेयर क्यों मैं कह रहा हूं, क्या वो मृणाल सर मेरे कोई करीबी रिश्तेदार है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जब करंट अफेयर कई सारे देखे और कई सारे विद्यार्थियों के मेरे पास फीडबैक आए कि सर हमने करंट अफेयर पूरे साल भर तैयार किया, लेकिन उसका सीधा नुकसान यह हुआ कि रिवीजन ही नहीं कर पाए हम, तब मैंने आपसे कहा कि अब करंट अफेयर का कोई ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जो 25-30 मिनट में करंट अफेयर प्रतिदिन का कवर करा दे। और यदि आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप खुद अपना जितना पढ़ रहे वो पढ़ते चलिए, साप्ताहिक, मंथली। कोई भी टीचर करंट अफेयर कवर करा देता होगा, मंथली वो कवर करा लीजिए। रिपीटेड खबरों को बार बार पढ़ना बंद करिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे कौन सा पीएचडी करना है, नहीं तो अन्यथा वह जैसे कई लोग क्या करते हैं, खबरों को इस तरीके से पढ़ते हैं चाव के रूप में बार बार, जैसे उन्हें उनमें पीएचडी करनी हो। और यही वो पीएचडी करने वाले लाल हैं जिनकी हिंदी माध्यम में कई बार अधिकता हो जाने से मेहनती बच्चे, ईमानदार बच्चे ढक जाते हैं और ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम में केवल और केवल हवाबाजी करने वाले बच्चे हैं, जबकि वास्तविक रूप में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को केवल सही मार्गदर्शन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये मेरा मार्गदर्शन सही है, पर आज की जितनी मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये लगभग पिछले एक साल का पूरा विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मैंने ये खबर आपको बताई थी कि मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, लेकिन मैंने करंट अफेयर आज रखवाया जबकि मुझे 5-6 दिन का समय लगा हर एक चीज का एनालाइज करने के लिए, और इसीलिए मैंने इस खबर या इस पूरी की पूरी क्लास को शिफ्ट करवाया। तो सबसे पहला कि डेली करंट अफेयर 25 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिस्ट के रूप में करंट अफेयर को तैयार करिए, रिपीटेड खबरों को बार बार मत पढ़िए, करंट अफेयर को यूपीएससी के सिलेबस का महज एक हिस्से के रूप में देखें न कि पूरे सिलेबस के रूप में। कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि यही पूरा सिलेबस है, अगर करंट अफेयर ही पूरा सिलेबस होता तो यूपीएससी ने 4
पेपरों का इतना डिटेल विश्लेषण कहां कराया होता। कोई ऐसा टॉपर मुझे दिखा दीजिएगा, कोई ऐसा टॉपर ऐसा दिखा दीजिएगा जो टॉपर ये कहें कि मैंने चार चार घंटे करंट अफेयर तैयार किया था। और यकीन मानिए अगर ऐसा कोई टॉपर है तो मेरे हिसाब से वो गलती से टॉपर है। बुरा लगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में एक खास साल 2016, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं 2016 वो वर्ष था जब करंट अफेयर के कारण सेलेक्ट हो गए कई लोग, पर उसके बाद फिर करंट अफेयर नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसा फिर से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उस हो सकता के लिए मैं उन बाकी विषयों पर अध्ययन ना करके केवल करंट अफेयर को 5-5 घंटे दूं, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अनअकैडमी क्या है? तो एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप जब अपनी तैयारी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स का होता है कि आपने एक महीने के लिए ले लिया तो आपको एक महीने के लिए नेटफ्लिक्स की सारी मूवीज देखने को मिलती है, तो वैसे ही अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने टाइम के लिए उस कोर्स के सारे टीचर की क्लास मिलेगी, भले आप रिफर कोड मेरा यूज करें सारे एजुकेटर की क्लास मिलेगी। क्यों अनअकैडमी चुनना चाहिए, क्यों बाकी प्लेटफॉर्म से बेटर है? आपको अपनी मर्जी का टीचर मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, और आप पर टीचर थोपे नहीं जाएंगे बल्कि आपको चुनने का मौका दिया जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यहां तक कि टेस्ट सीरीज से लेकर करंट अफेयर, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में। सबसे ज्यादा रिजल्ट पिछले 2 वर्षों में, सबसे अद्भुत रिजल्ट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2020 में 170 से ज्यादा टॉपर और 2021 में, क्षमा चाहूंगा मैं, 197 से ज्यादा टॉपर, जिसमें आप ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 5 देख सकते हैं। एमके लाइव रिफर कोड, आप जब भी अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे तो यूज कर सकते हैं हमारा रिफर कोड।